तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों को दो दो हजार का किस्त आ रहा है उन सभी किसानों को केवाईसी करना है, कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि आपको केवाईसी घर बैठे भी कर सकते हैं या आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आप फ्री एंड कॉस्ट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आप अपने घर बैठे ही केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप से केवाईसी कैसे किया जाता है, मोबाइल से केवाईसी कैसे करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप सीएससी आईडी चलाते हैं और आप केवाईसी करने में आपका परेशानी है तो कैसे सेटिंग्स करेंगे और कैसे माथों में लाइट लाएंगे और कैसे कंप्लीट केवाईसी करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखेंगे एंड आप अपना केवाईसी करना सीख जाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे pmkisan.gov.in एंड सर्च कर देंगे। सर्च करते ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाएंगे। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी लॉगिन एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ईकेवाईसी जो कि न्यू यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इसके माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप अपना केवाईसी घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सीएससी आईडी है तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना सीएससी आईडी टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद यह कैप्चा है इस बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर आपका यह कैप्चा यहाँ पे शो नहीं हो तो रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा शो हो चुका है, यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइन इन है, साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आधार ईकेवाईसी, तो यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे, जिन किसान को केवाईसी करना है उनका आधार नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चा है इमेज टेक्स्ट, तो यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे टाइप कर देंगे। देन उसके फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च है, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च करते ही फ्रेंड्स आपको नया स्पेस खुल के आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ओटीपी जा चुका है, यहाँ पे आपको लिख कर आ जाएगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। एंड यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आए तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा से ओटीपी गिरा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पे अपना ओटीपी टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने का फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करना फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आ जाएगा कैप्चा फॉर ईकेवाईसी एंड कैप्चा फॉर ईकेवाईसी मार्फो डिवाइस, एंड यहाँ पे है कैप्चा फॉर ईकेवाईसी बाय स्टार्टेक डिवाइस एंड यहाँ पे कैप्चा फॉर ईकेवाईसी मंत्रा डिवाइस। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी है, फिर से आप मिनिमाइज में यहाँ पे कर देता हूँ या डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कंप्यूटर फाइल सर्च करेंगे आप और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने फ्रेंड्स यहाँ पे लोकेशन डिवाइस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्फो आरडी सर्विस सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है देख सकते हैं कॉन्फिग सेटिंग्स, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करना है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कम्युनिकेशंस मोड है जो कि जीरो है, यहाँ जीरो रहने देंगे। एंड यहाँ पे जो है क्लाइंट वैलिडेशन, तो यहाँ पे आप वन रहने देंगे। और अगर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड जो है आपका वन है तो यहाँ पे जीरो कर देंगे। उसके बाद सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग्स में ऑलरेडी करके रखा है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैप्चा फॉर ईकेवाईसी बाय स्टार्टेक डिवाइस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस में लाइट आना शुरू हो गया है जो कि मैं यहाँ पे फिंगर लगाने वाला हूँ, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, किसी कस्टमर का मैं लगाने वाला हूँ तो यहाँ पे उनका मैं फिंगर ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको मार्फो में टाइम से आप फिंगर नहीं लगाएंगे तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे ओके करेंगे एंड यहाँ फिर से आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे सक्सेसफुल ले चुका है कैप्चा, और यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा सक्सेसफुल, ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सबमिट करने का ऑप्शन दे चुका है, तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आधार सर्विस नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन सम टाइम्स, तो आपको इस तरह से मैसेज आए तो फिर से आप दूसरे फिंगर को लगा सकते हैं, बार बार ट्राई करेंगे सक्सेसफुल ले लेगा, क्योंकि मैं इन्हीं का मैं सक्सेसफुल करूँगा दूसरे फिंगर लगाकर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और दूसरा फिंगर के लिए फिर से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लाइट आ चुका है, फिर से मैं दूसरा फिंगर लगा दिया है, थोड़ा देर वेट करेंगे। यहाँ पे आ चुका है, फिर से ओके करेंगे। अगर ज़्यादा बूढ़े हैं कोई भी व्यक्ति तो उनका थोड़ा सा परेशानी होता है, तो आप बार बार ट्राई करेंगे तो सक्सेसफुल ले लेता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फिर से मैं सबमिट है, सबमिट बटन पे क्लिक कर, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हिज्जत के बाद सारा फिंगर मैंने ट्राई पर ट्राई किया है, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन दे चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन मेक पेमेंट फॉर KYC, तो यहाँ पर ओके करेंगे, आपको केवल पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 15 रुपया यहाँ पे कस्टमर से लेना है, एंड यहाँ पे जो है आपको CSC ID से 5 रुपया 34 पैसा कटेगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड है जो कि CSC ID का जो भी पासवर्ड है यहाँ पे टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वैलिड पिन, आपके पिन जो है वैलेट का पिन यहाँ पे टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, और यहाँ पे जो है इनको आप प्रिंट आउट करने के लिए डायरेक्ट Ctrl+P टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे चले जाएंगे और प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं PM किसान सम्मान निधि, स्क्रॉल डाउन करेंगे जो भी पेमेंट कट रहा है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, आपका CSC ID यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर Transaction ID जो कि जो है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे डन लिख कर आ जाएगा, डन सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट लिख कर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का KYC करेंगे, एंड पेमेंट करने के बाद ही सक्सेसफुल हो जाएगा, उनका KYC कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कस्टमर का आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।